हाय एवरीवन, दिस इज़ गीता सचवानी। वेलकम टू माय चैनल गीताज मैजिक। गाइस, इफ़ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन माय वीडियोस, सो दैट आई गेट नो दैट आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या नहीं, और मेरी रेसिपीज सही जा रही है या नहीं। तो आज हम बनाएंगे काजू कटोरी। तो काजू कटोरी बनाने के लिए पहले मैंने एक जार में ले लिए 125 ग्राम काजू। तो ये साबित काजू है, आप चाहें तो टुकड़े भी ले सकते हैं, बिकॉज इसको चर्न ही होना है वैसे भी। तो इस तरह से चर्न करके इसको ऑन ऑफ करके पर्ल्स मोड पे पाउडर फॉर्म में ही करना है। और यहाँ मैंने ले लिया 50 ग्राम मिल्क पाउडर। तो ऐसे मिक्स करके हम लोग इसको रेडी करके रखेंगे। यहाँ मैंने ले ली है जो 125 ग्राम, अगर काजू लिए ना तो मैंने लिया थोड़ा उससे कम, लाइक 100 ग्राम शुगर। उसको डाल देंगे पैन में और हमको एक तार वाली चाशनी बनानी है। एक तार भी नहीं, समझो तार बनने पे हो उस तरह से। तो जैसे ही थिक हो जाएगा शुगर सिरप, तो हम उसमें ऐड कर देंगे ये वाला अपना मिक्सचर, जो काजू और मिल्क पाउडर का हमने बना के रखा था। और इस तरह से हम इसको दबा दबा के प्रेस करके ही बैटर को मिक्स करेंगे। तो थोड़ा बहुत अगर जो भी लम्स दिख रहा है वो नहीं दिखेगा। और यहाँ पे हमको ऐड करना है 1 टेबल स्पून जितना घी। तो काजू कतली में घी इम्पॉर्टेंट है, ताकि ये उसके बाद ही देखिए अपना टेक्सचर बदलेगी ये जो मिक्सचर है। और इस तरह से हम उसको घुमाते जाएंगे तो ये हमारा पैन छोड़ने लगेगा और थिकन होने लगेगी। और इस तरह से हमें घुमाते घुमाते इस टेक्सचर तक लाना है। और हमें अब ट्रांसफ़र करना है, एक थाल या थाली ग्रीस करके रख दीजिएगा पहले ही, और उसमें हम उसको डाल देंगे। गाइस, काजू कतली भी बनाना सेम ही है प्रोसेस यहाँ तक, उसके बाद सिर्फ शेप का फ़र्क है। तो बस ये जब तक थाल में ठंडा हो रहा है तब तक हम लोग अपना ड्राई फ्रूट को कोट करने के लिए यहाँ पे बना रहे हैं कैरमल शुगर। तो शुगर सिर्फ 1 ही टेबल स्पून मैंने डाली है, और ये मैंने काजू और पिस्ता बादाम ये तीनों ड्राई फ्रूट उसको डाल दिया उसमें कैरमलाइज शुगर में। और यहाँ पे मैंने बैटर जो अपना ठंडा हो चुका था, तो इस तरह से कटोरी बनाने के लिए ये छोटा जो राउंड कुकी कटर आता है ना शेपर, मैंने वो ले लिया और उसमें बैटर को अपना जो काजू और मिल्क पाउडर का बैटर था उसको डाल के इस तरह से शेप करके फिर थोड़ा बीच में कैविटी बना दिया। और ये हमने डाल दिया अपना जो ड्राई फ्रूट वाला मिक्सचर, जो कैरमलाइज वाला। और इसी तरह से मैंने सारी ये काजू कटोरियाँ बना दी। आप चाहें तो इसको सिल्वर वर्क से भी डेकोरेट कर सकते हैं, थोड़ा कलर भी साइड्स में लगा सकते हैं। तो इस तरह से मुझे बनाने में ये बहुत मज़े आ रहे थे, यू नो गाइस। और आप भी बनाइएगा घर पे, तो ये बहुत ही फनी, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। तो ये मैं ऐसे बनाती गई, मैंने वीडियो कट भी नहीं किया, मैंने सारा ही वीडियो मतलब कैप्चर किया है। और आपको ये मैं दिखा रही हूँ कि मैंने एक एक ऐसे बना के और ऐसे जिस ट्रे में आपको सर्व करना है उसमें रख दिया। तो गाइस, ये अपने घर पे बहुत रीज़नेबल रेट में भी पड़ती है, और मटेरियल तो ऑलमोस्ट अपने घर पे सब होता ही है। तो दिवाली में अपने हाथ से बनी हुई हाइजीनिक सारी मिठाइयाँ अपने हिसाब से बनाइए, और भगवान के भोग में भी डालना हो तो ये बेस्ट है। और काजू बर्फियों के बिना तो दिवाली अधूरी है। तो इस तरह से मैंने सारी काजू कटोरी बना दी। गाइस, आप भी अपने घर पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।